हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है पीएलसी प्रोग्रामिंग पार्ट टू सब्जेक्ट कोड IE 303 टाइमर्स। टाइमर्स को समझने के लिए अपन इस डायग्राम को देखेंगे। इसमें एक नॉब दिखा रखी है और इस पर 0 से 60 तक की मार्किंग की गई है। इस तरह की नॉब आपने अपने घरों में जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है या OTG है, उस पर देखी होगी। तो ये बेसिकली टाइमर नॉब है और इस नॉब में अपन कोई भी टाइमिंग जो है सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस नॉब को अपन ने 15 मिनट पे सेट कर दिया, तो जैसे ही ये टाइमर को स्टार्ट करेंगे या डिवाइस को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में टाइमर जो है काउंट डाउन जो है डिक्रीमेंट करना स्टार्ट होगा और डिक्रीमेंट करते हुए 0 पे पहुंच जाएगा। जब 0 पे पहुंच जाएगा तो 0 पे पहुंचने के बाद में वो उस इक्विपमेंट को ऑफ कर देगा। उसी तरह से इसका रिवर्स ऑपरेशन भी अपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई टाइम सेट कर दिया 15 सेकंड मान लीजिए, और माने कि इक्विपमेंट पहले से ऑफ था, तो जैसे ही टाइमर को ऑन करेंगे टाइमर डिक्रीमेंट करना स्टार्ट करेगा और उतना टाइम बाद जो है इक्विपमेंट को ऑन कर देगा। तो इस तरह से अपन टाइमर को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देख रहे हैं ऑन डिले टाइमर का टाइमिंग डायग्राम दिखा रखा है और उसी तरह से ऑफ डिले टाइमर का टाइमिंग डायग्राम दिखा रखा है। तो जैसे ही अपन मशीन को चालू करेंगे या इनपुट सप्लाई को चालू करेंगे और जो टाइम आपने सेट कर रखा है उतने टाइम बाद जो है मशीन ऑन हो जाएगी, तो ये ऑन डिले टाइमर कहलाएगा। उसी तरह से मान लीजिए मशीन पहले से ऑन थी, जो मशीन पहले से ऑन थी और जो टाइम आपने सेट किया है, जैसे ही टाइमर चालू होगा तो उतने टाइम बाद में मशीन जो है ऑफ हो जाएगी। तो ऑफ डिले टाइमर में जो टाइम आपने सेट किया है उतने टाइम बाद में मशीन ऑफ हो जाएगी, और ऑन डिले टाइमर में जो टाइम सेट किया है आपने उतने टाइम बाद में मशीन ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से टाइमर जो है ऑन ऑफ दो तरह से अपन यूज कर सकते हैं। ऑन डिले टाइमर को अपन लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग में किस तरह से यूज करेंगे, जैसा कि ये लैडर डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक इनपुट स्विच है X1, ये स्विच यहाँ पे दिखाया गया है। उसी तरह से एक टाइमर है T1 जो यहाँ पे दिखाया गया है, और एक लोड है Y13 जो कि उस लोड की कॉइल को यहाँ पे दिखाया गया है। और टाइमर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं T1, ये टाइमर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है जो लोड के सीरीज में लगाया गया है। तो जैसे ही अपन इनपुट स्विच को क्लोज करेंगे, इनपुट स्विच को क्लोज करने से टाइमर को सप्लाई मिल जाएगी और टाइमर अपना टाइमिंग जो है काउंट करना स्टार्ट कर देगा, और जो टाइम सेट किया है आपने उतने टाइम तक वेट करेगा और उसके बाद में अपने कॉन्टैक्ट्स को क्लोज कर देगा। जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था उसको नॉर्मली क्लोज कर देगा, और अगर कोई नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था तो उसको नॉर्मली ओपन कर देगा। तो इस केस में ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ किया गया है, तो ये टाइमिंग के बाद में उतने टाइम डिले के बाद में इस कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देगा और लोड कॉइल जो है एनर्जाइज हो जाएगी और लोड को सप्लाई मिल जाएगी। तो इस तरह से ये ऑन टाइमर को लैडर डायग्राम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपन, उसको अपन ने समझाया है। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड में एक और एप्लीकेशन ऑन टाइमर की दिखाई गई है कि लैडर डायग्राम में अपन किस तरह से यूज़ करेंगे। तो इस लैडर डायग्राम में एक ये इनपुट स्टार्ट स्विच दिखाया गया है जो कि नॉर्मली ओपन है। उसी तरह से ये स्टॉप स्विच दिखाया गया है जो कि नॉर्मली क्लोज्ड कंडीशन में है,
और एक ये टाइमर दिखाया गया है। इस टाइमर में देखिए कि एक अपन प्री सेट कर देते हैं टाइमर को, जिसमें अपन टाइमर की सेटिंग को कर देते हैं जो भी टाइम अपन लेना चाहें, और एंड टाइम इसमें जीरो दिखा रखा है। टाइमर का आउटपुट जो क्यू है वो उसकी सप्लाई कॉइल को जाएगी, और इनपुट जो है टाइमर का उसको इनपुट को जैसे ही सप्लाई मिलेगी टाइमर अपना ऑपरेशन चालू कर देगा। तो इस डायग्राम में और इस टाइमर का जो कॉन्टैक्ट है, इस रिले कॉइल का जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे दिखा रखा है टाइम इलेप्ड। तो जैसे ही अपन इनपुट स्विच को क्लोज करेंगे तो टाइमर को सप्लाई मिल जाएगी और टाइमर अपना टाइमिंग काउंट करना स्टार्ट कर देगा। और इसी के साथ में एक पैरेलल में देखिए एक सायरन कॉइल लगा रखी है, तो जैसे ही इनपुट स्विच को क्लोज करेंगे तो टाइमर को भी स्टार्ट कर देगा और ये सायरन को भी जो है ऑन कर देगा, और जो टाइम आपने सेट किया है उतने टाइम बाद में टाइमर अपना आउटपुट देगा, जिससे कि ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। और जैसे ही ये कॉइल एनर्जाइज होगी इस कॉइल का जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा और आउटपुट लोड कॉन्टैक्टर को, लोड कॉन्टैक्टर की कॉइल जो है एनर्जाइज हो जाएगी। और जैसे ही लोड कॉन्टैक्टर की कॉइल एनर्जाइज होगी इसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और अब इसके थ्रू भी कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलनी चालू हो जाएगी। तो इस तरह से जो है अपन ने ऑन टाइमर को यूज़ करते हुए जो है किसी लोड को एनर्जाइज किया है। जैसे ही आपने इनपुट स्विच क्लोज किया उतने डिले टाइम बाद में जो है लोड कॉइल एनर्जाइज होगी, और अगर अपन लोड को उसके बाद में ऑफ करना चाहें तो ये स्टॉप बटन से, स्टॉप बटन को अपन ऑफ करेंगे तो इस लोड कॉइल को जो है सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी और लोड कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो इस तरह से ऑन टाइमर को अपन लैडर डायग्राम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं आप दो ऑन टाइमर को अपन ने कैस्केड में यूज किया है। मतलब कैस्केड का मतलब यह है कि एक टाइमर अपना ऑपरेशन खत्म कर देगा उसके बाद में दूसरा टाइमर जो है अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, या इसको सीक्वेंस में भी बोल सकते हैं। जैसे कि सीक्वेंसिंग ऑफ मोटर होती है, एक मोटर स्टार्ट होगी उसके बाद में दूसरा मोटर स्टार्ट होगी, तो उस तरह से टाइमर को भी अपन सीक्वेंस में यूज कर सकते हैं। एक टाइमर अपना ऑपरेशन कर लेगा उसके बाद में दूसरा टाइमर स्टार्ट होगा। तो जैसे देखिए इस लैडर डायग्राम में जैसे ही अपन इनपुट सप्लाई को ऑन करेंगे तो टाइमर वन को सप्लाई मिल जाएगी और टाइमर वन अपना टाइमिंग काउंट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही वो टाइमिंग क्लोज कर देगा, मतलब उस टाइमर टाइमिंग को ये उतना डिले जब जनरेट कर देगा तो टाइमर टी वन का जो ओपन कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाएगा और आउटपुट कॉइल को सप्लाई मिल जाएगी। और आउटपुट कॉइल को सप्लाई मिलते ही आउटपुट कॉइल का जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा और टाइमर टी टू स्टार्ट हो जाएगा। जब टाइमर टी टू स्टार्ट हो जाएगा तो इसका जो टाइमिंग आपने सेट किया है उतने टाइम बाद में टाइमर का कॉन्टैक्ट जो नॉर्मली ओपन है वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और ये एक दूसरे इनिट कॉइल को एनर्जाइज कर देगा। और जैसे ये इनिट कॉइल एनर्जाइज होगी तो इसका जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज था पहले, उसको नॉर्मली ओपन कर देगा और ये एक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑन टाइमर या दो टाइमर को सीक्वेंस में कैसे यूज कर सकते हैं लैडर डायग्राम के थ्रू, वो इस स्लाइड में दिखाया गया है। उसी तरह से ऑफ टाइमर प्रोग्रामिंग, ऑफ टाइमर को अपन लैडर डायग्राम में किस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसा कि पहले अपन ने डिस्कस किया था, ऑफ टाइमर में ये होता है कि जो टाइमिंग आपने सेट किया है उतने टाइम बाद में जो है कॉइल रीसेट हो जाती है या मशीन ऑफ हो जाती है। तो देखिए इसको किस तरह से यूज करेंगे। ये एक इनपुट स्विच है X0। जैसे ही आप इनपुट स्विच को क्लोज करेंगे एक सेट कॉइल एनर्जाइज होगी, और जब सेट कॉइल एनर्जाइज होगी तो इसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज बन जाएगा और टाइमर को सप्लाई मिल जाएगी।
जैसे ही टाइमर को सप्लाई मिल जाएगी और जो टाइम आपने सेट किया है उतने टाइम के डिले के बाद में इस टाइमर का जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज बन जाएगा और उसी रिले की रीसेट कॉइल को सप्लाई मिल जाएगी या रिले ऑफ हो जाएगा, जिससे कि लोड जो है उस रिले से जो कनेक्ट किया गया है वो लोड भी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ऑफ टाइमर जो है अपन लैडर डायग्राम में किस तरह से यूज कर सकते हैं वो इस स्लाइड में समझाया गया है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट डिवाइस है जो कि लैडर डायग्राम में यूज किया जाता है वो है काउंटर। काउंटर बेसिकली क्या है उसको समझने के लिए जैसे एक डायग्राम इसमें दिखाया गया है कि एक कन्वेयर बेल्ट है जो कि मोटर से कनेक्टेड है और जैसे ही मोटर चलेगी और उस कन्वेयर बेल्ट में जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो ऑब्जेक्ट मूव होंगे और एक सेंसर से पास करेंगे। तो जब मोटर मूव होगी या मोटर चलेगी तो कन्वेयर बेल्ट चलेगा और ऑब्जेक्ट जो है सेंसर से पास होंगे और इस बॉक्स में कलेक्ट होते जाएंगे। ये सेंसर जो है ये फोटो सेंसर है बेसिकली और ये फोटो सेंसर इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेगा। मतलब जब भी ये ऑब्जेक्ट इस सेंसर के सामने से गुजरेगा तो एक ऑप्टिकल पल्स जनरेट होगी और उस ऑप्टिकल पल्स को इलेक्ट्रॉनिकली काउंट किया जाएगा और वो काउंट जो है या डिस्प्ले होता रहेगा। तो जैसे ही आप मशीन को स्टार्ट करेंगे तो बेल्ट चालू हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सेंसर से पास होना चालू हो जाएंगे और इस बॉक्स में कलेक्ट होते जाएंगे। और ये जो करंट काउंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता जाएगा और जब आप स्टॉप बटन दबाएंगे तो मोटर स्टॉप हो जाएंगी और जितने ऑब्जेक्ट काउंट हुए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होते जाएंगे। तो इस तरह से काउंटर बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेगा। जो आपने स्टार्ट बटन दबाया और स्टॉप बटन दबाया उसके बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट पास होंगे उन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेगा और डिस्प्ले करेगा। यह अपन इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि किन्हीं काउंटर में पहले से ऑब्जेक्ट को सेट कर लिया जाता है, जैसे मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट्स को पहले से सेट कर लिया है, प्रीसेट कर लिया है और मोटर को स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट्स सेंसर से पास होंगे और जब भी ये काउंट जो प्रीसेट वैल्यू आपने की है उतने काउंट हो जाएंगे तो मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से भी काउंटर की वर्किंग को अपन देख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि एप्लीकेशन पे के काउंटर को किस तरह से यूज़ किया गया है। तो काउंटर बेसिकली क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिकली काउंट करता है। जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं इसमें एक लाइट सोर्स है और ऑब्जेक्ट्स जो है लाइट सोर्स से पास हो रहे हैं और एक लाइट सेंसर जो है इसको सेंस कर रहा है। लाइट सेंसर बेसिकली क्या करेगा कि जो लाइट ऑब्जेक्ट से पास हो रही है जब भी ऑब्जेक्ट इस लाइट के बीच में आएगा तो एक डार्क पल्स जनरेट होगी और उस डार्क पल्स को ये इलेक्ट्रॉनिक लाइट सेंसर जो है काउंट करता जाएगा और उस काउंट को इंक्रीमेंट करता जाएगा और इस तरह से ये काउंट इंक्रीमेंट होता जाएगा। और जैसे ही ये काउंट जो है एक प्रीसेट वैल्यू तक पहुंच जाएगा तो वो काउंटर ऑफ हो जाएगा और फिर एक रीसेट बटन के थ्रू इस काउंटर को अपन वापस से रीसेट कर सकते हैं ताकि वो वापस जीरो से काउंट करना स्टार्ट कर दे। तो इस तरह से ये इंडस्ट्री में कोई भी काउंटर की जो एप्लीकेशन है, जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में है जो ऑब्जेक्ट को काउंट करके और एक बॉक्स में पैक करता है तो वो इसी तरह से काम करता है। और पीएलसी को अपन लैडर डायग्राम की प्रोग्रामिंग के थ्रू काउंटर को अपन पीएलसी को काम में ले सकते हैं और लैडर डायग्राम के थ्रू अपन इजीली उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो लैडर डायग्राम के थ्रू एक अप काउंटर प्रोग्रामिंग इसमें दिखा रखी है। तो ये जैसे एक काउंटर है जो कि लैडर डायग्राम में जोड़ा गया है। अब इस काउंटर में देखिए कि ये इनपुट है, काउंट इनपुट है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक पल्स
इस काउंट इनपुट में जाएगी तो काउंट जो है अप काउंट करना स्टार्ट कर देगा, और इसकी जो प्रीसेट वैल्यू आपने सेट कर रखी है, मान लीजिए 25 आपने प्रीसेट वैल्यू सेट कर रखी है, तो ये 25 तक काउंट करेगा और उसके बाद में एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जिससे कि एक कॉइल को एनर्जाइज किया जा सके। और जो करंट वैल्यू है, जैसे जैसे काउंटर काउंट अप करेगा तो जो करंट वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले होती जाएगी, और जैसे ही करंट वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो जो है काउंटर एक आउटपुट जनरेट करेगा जिससे कि कॉइल को एनर्जाइज किया जा सके। तो देखिए लैडर डायग्राम में जैसे ही आप मशीन को ऑन करेंगे और जो पल्स मिलेगी उन पल्स को, जैसे ही ये पल्स इलेक्ट्रॉनिक पल्स इस सेंसर से पास होगी तो वो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट की तरह वर्क करेगा और वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स काउंटर को मिलती जाएगी और ये काउंटर काउंट करता जाएगा, और जैसे ही ये करंट वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा तो काउंटर एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा, और वो आउटपुट सिग्नल जब भी जनरेट करेगा तो कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, लोड कॉइल, और उस लोड कॉइल के एनर्जाइज होते ही जो है काउंट स्टॉप हो जाएगा, और उसके बाद में एक इनपुट स्विच के थ्रू, जब उस इनपुट स्विच को अपन क्लोज करेंगे, रीसेट स्विच को क्लोज करेंगे, तो काउंटर के रीसेट इनपुट पे ये सप्लाई जाएगी और काउंटर को रीसेट कर देगा। रीसेट का मतलब है जो करंट वैल्यू है उसको जीरो सेट कर देगा। तो इस तरह से ये अप काउंटर जो है लैडर डायग्राम में अपन किस तरह से प्रोग्राम करेंगे ये इस लैडर डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, जो कि पीएलसी में अपन यूज कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए एक अप काउंटर फिर से किसी दूसरी एप्लीकेशन के लिए समझाया गया। तो जैसे ये अप काउंटर है जिसमें प्रीसेट वैल्यू 50 सेट कर रखी है, इनिशियल वैल्यू 0 है, और ये काउंटर काउंट अप भी कर सकता है और काउंट डाउन भी कर सकता है। तो जैसे ही आप इनपुट स्विच को क्लोज करेंगे काउंटर जो है काउंट करना स्टार्ट कर देगा और करंट वैल्यू जो है इंक्रीज होती जाएगी। जैसे ही करंट वैल्यू जो है प्रीसेट वैल्यू तक पहुंच जाएगी तो ये एक आउटपुट जनरेट करेगा, और इस आउटपुट के जनरेट होते ही जो है लोड कॉइल एनर्जाइज होगी, और लोड कॉइल एनर्जाइज होते ही जो है मशीन ऑफ हो जाएगी, और एक दूसरे इनपुट स्विच के थ्रू आप जो है इस काउंटर को रीसेट कर सकते हैं जिससे कि एक रीसेट कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी और मशीन काउंटर की जो एक्युमुलेटेड वैल्यू है वो वापस से जीरो सेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये अप काउंटर को लैडर डायग्राम में अपन यूज कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए टाइमर और काउंटर दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा एप्लीकेशन पे। जैसे इस डायग्राम में बता रखा है कि एक टाइमर यूज किया गया है और एक काउंटर यूज किया गया है। तो देखिए ये एक इनपुट पुश बटन है, जैसे ही आप इस पुश बटन को या स्विच को क्लोज करेंगे टाइमर को सप्लाई मिल जाएगी, और टाइमर को जो आपने प्रीसेट टाइम सेट किया है उतने टाइम बाद में इस टाइमर का जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा, और जो है लाइट या लोड कॉइल जो भी आपने कनेक्ट कर रखी है वो एनर्जाइज हो जाएगी, और साथ ही साथ में जैसे ही आपने ए स्विच को क्लोज करेंगे तो ये ए स्विच को काउंटर के लिए भी यूज़ किया गया है, तो जैसे ही ए स्विच क्लोज होगा तो काउंटर भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएगा, और जो प्रीसेट वैल्यू आपने काउंटर में सेट कर रखी है उतने काउंट तक ये काउंट करेगा, और जैसे ही ये एक्युमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू तक इक्वल हो जाएगी तो काउंटर का जो कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा और काउंटर की लाइट ग्लो कर जाएगी, और जब ये पूरा कंप्लीट काउंट कर लेगा उसके बाद में स्विच बी को क्लोज करके काउंटर को आप वापस से रीसेट कर सकते हैं जिससे कि काउंटर की जो एक्युमुलेटेड वैल्यू है वो वापस से जीरो सेट हो जाएगी और फ्रेश काउंटिंग जो है वापस से स्टार्ट की जा सकेगी। तो इस तरह से ये टाइमर और काउंटर को आप लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं, दोनों को अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग लैडर डायग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो आज
अपन यहीं कंक्लूड करते हैं. थैंक यू.